थाइस। सोचा था रूम में जब बैठा था तो तब सोचा था कि आज ब्लॉग बनाएंगे मस्त सा, बट सूरज दादाजी देखिए सिर पे बैठे हैं अभी तक। अभी बज रहा है शाम के 5 अभी भी हैं, तो देखते हैं कैसे शूट होता है कैसे नहीं होता है, बट आज तो कुछ करेंगे। एक बात बोलना रह गया था फ्रेंड्स, जो कि ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले ही हो जाना तो अच्छी बात रहता है, क्योंकि उसके बाद तो हम मस्त मगन हो जाएंगे। तो बात ये है, आपकी ज़िंदगी में यदि कोई आना चाहता है तो दिल से उसको एक्सेप्ट करो, और जो कोई भी जाना चाहता है खुशी खुशी विदा करो। तो चलिए आज की ब्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स गो। Hey guys, this is Krishna, you are watching Sunday वाला ब्लॉगर। महीने में नहीं आ पाया था, कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था जो बहुत किए थे मार्च महीने में करने के लिए, बट क्या करें यार, कुछ जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया। तो छोड़ो, अभी तो रेगुलर ही आएगा अभी, क्योंकि पूरा मस्त मगन हो गया हूँ। तो चलो अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। ये ब्लॉग वो ब्लॉग है जो फेब्रुअरी में जो गए थे धर्मशाला, वहाँ पे एक दो अच्छे अच्छे जगह थे तो जहाँ पे मैं भी गया था हम, पर वहाँ का वीडियो में मार्च के लिए सोचा था कुछ डिफरेंट टाइप का, बट मार्च महीने में इतना सारा टेंशन जिसकी वजह से वो सब नहीं हो पाया। मार्च में क्या क्या करने के लिए, बट सबका लग गया। तो मार्च छोड़ो, अप्रैल में ही शुरू करेंगे। अभी जाएंगे, बहुत जगह घूमना है, बहुत सारी एंजॉयमेंट करना है, बट तो उसके लिए थोड़ा सा अभी अंदर से जो खुशी आ रहा है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो चलिए आज की ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। धर्मशाला के जो टेम्पल है उससे बाहर आने के बाद अभी हम जाने वाले थे कहाँ पे, श्री राम क्षेत्र के पास, जो कि वहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर के अंदर होगा। तो हम जाके पहुँचे उधर। अभी हम श्री राम सिकित्रा मूवी बैग पहुँच चुके हैं, भीतर अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं छुपते छुपाते वीडियो शूट हुआ हूँ कुछ आप लोगों के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए। बाहर से मंदिर बहुत छोटा लगता है, बट अंदर बहुत बड़ा है। ये धर्मशाला मेन गेट से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से कुछ आपको 30-40 रुपये लगेगा गाड़ी में जाने के लिए। बहुत खूबसूरत मंदिर है, आप लोग यदि कभी आते हैं तो जरूर आके दर्शन करके जाइए। के लिए बहुत सारे छोटे छोटे दुकान है, और पार्किंग के लिए ये जगह जो देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए। सो देख लिया राम क्षेत्र। तो भाई लोग अभी आप देखेंगे बाहुबली स्टेचू, जो कि ये जो ऊपर चढ़ने वाले हैं, ये जो देख रहे हैं ना सीढ़ी अभी देखने वाले हैं, वो सीढ़ी जिसके ऊपर जाने के बाद 350 स्टेप के बाद शायद आ जाए। और मेरे साथ जो लोग थे वो तो रिक्शे से आए, चढ़ के चला गया था, तो वो वहीं पे 350-400 स्टेप हैं, उसके बाद वो नहीं चढ़ पाए क्योंकि वो टायर्ड हो गए थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद ऊपर गए, क्योंकि मैं तो उसी के लिए गया था, क्योंकि वो देखना था कि कितना बड़ा है, और ये नंगा कौन सा भगवान होता है रे। सच में मैं सिर्फ उसी के लिए गया था, वही स्टैचू देखने के लिए। तो फिर ऊपर गए, देखे मस्त सा एकदम धासु सा, आप भी देख लो कैसा है। सो देख के फिर मिलते हैं। जो बाहुबली स्टेचू है ये नीचे से वहीं पे है,
वहीं से नीचे से कुछ 350 स्टेप है, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, शायद 50 गया अभी, अभी 350 जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। I am afraid. मैं जो स्टैचू का बात किया था वो है ये, एक बार अच्छे से भी देख लो। क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहती निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, ये दीखा तुम्हारा चलना। Okay, let's go through that one more time. फिर क्या, स्टैचू देखने के बाद हम लोग थोड़ा पारी करके पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय कीजिए। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? अबे हुई, हट हट बंदर, हुई कुत्ते, क्या बे। सो ये है एंट्री पॉइंट धर्मशाला को, और ये है हमारा रत्नगिरी बाहुबली। यहाँ से ऊपर जाने पर बाहुबली का रोड आता है और स्टैचू आता है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से ये है एंट्री पॉइंट और सीधा हमारा धर्मशाला। वो जो दिख रहा है घर, वो है हमारा धर्मशाला। यह है एंट्री पॉइंट, ये है बाहुबली स्टैचू के पास जाने के लिए। तो समझ गए सब लोग? तो बस यही छोटा सा अपडेट था। अभी नेक्स्ट आएगा, अभी साथ में 15 में जाने वाला हूँ कहीं पे घूमने के लिए। तो जब जाएंगे तभी देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ सोचा नहीं हूँ कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, पर ज़बरदस्ती जगह जाएंगे, क्योंकि आया मैं नेचर लवर, क्योंकि छोड़ो। तो अभी चलते हैं। जिन जिनको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। जिनको नहीं आता लगा डिसलाइक मारो। चलो मिलते हैं। जय। मार साले, मार मार, डिसलाइक मार, तू मार के जाना।